आर माधवन ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर क्यों जताया है अफसोस? क्या माधवन अपनी ही फिल्म को लेकर हो गए हैं एम्बैरेस? आर माधवन ने खोली अपनी पोल। आर माधवन एक ऐसे एक्टर हैं जो सीक्रेट रिवील करने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में दो डेकेड से तमिल और हिंदी इंडस्ट्री में लोगों को एंटरटेन करने वाले एक्टर ने अब अपनी ही पोल खोल दी है। माधवन ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जिन्हें लेकर उन्हें बहुत अफसोस है। यस, यू हर्ड इट राइट। आर माधवन, जिन्होंने दो लैंग्वेजेस के बीच अपने करियर को परफेक्टली किया है बैलेंस, अब अपनी कुछ फिल्मों के लिए एम्बैरेस फील करते हैं। एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का अफसोस जताया कि उन्होंने कुछ अजीब प्रोजेक्ट्स किया है जिन्हें अब वो देखते हैं तो उन्हें स्लीप वॉकिंग की तरह लगता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे मेंशन किया, यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट, इट विल डू वेल, देन ऑल योर ओरिएंटेशन गोज फॉर अ टॉस, यू वंडर व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सो इफ आई कैन स्लीप वॉक थ्रू अ प्रोजेक्ट एंड इज समथिंग आई हैव डन बिफोर, इट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर मी, ही एड्स। इसके बावजूद आर माधवन अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। He said, "You realize that you are needy to give your best, but other things are not aligning. Then you feel that you should just take your check, finish the work and leave. It is a horrible feeling to have, especially at this stage of my life. If I realize that I have done something in Hindi which the Tamil audience haven't seen or vice versa, I think how can I infuse more life to my character that will keep my juices flowing?" फिलहाल माधवन द रेलवे मैन में नजर आए हैं जो एक OTT पर स्ट्रीम हो रहा है और वायर ऑफ का इस स्पेस में डेब्यू है। ये थ्रिलर सीरीज 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी की एक अनटोल्ड स्टोरी के रूप में पेश की गई है एंड फॉलोज ब्रेव रेलवे वर्कर्स हु रिस्क देयर लाइव्स टू सेव अदर्स। डायरेक्टेड बाय शिव रवेल, दिस सीरीज ऑल्सो स्टार्स के मेनन, दिव्यांशु शर्मा एंड फीचर्स गेस्ट अपीयरेंसेस लाइक जूही चावला एंड मंदिरा बेदी।